बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मुबशिर फ्रॉम मल्टीट्यूड हब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स फार्मूला को। इंडेक्स फार्मूला बेसिकली दो डायमेंशंस के थ्रू यूज़ किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ दोज फ्रेंड्स जो हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली फ्यूचर की वीडियोज आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग लास्ट वीडियो वाला डेटा सेट यूज कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ई कोड, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, CNAC और मोबाइल नंबर गिवन था। हम लोग सबसे पहले पहली डायमेंशन के जरिए इंडेक्स फार्मूला को डिस्कस करेंगे। फार्मूला स्टार्ट होता है इज इक्वल टू INDEX इंडेक्स, और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हम नेम जानना चाह रहे हैं तो हम लोग नेम को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा रो इंडेक्स हम इस पे क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब आप देख सकते हैं कि रो नंबर के ऊपर हम लोग अगर 1 लिखेंगे एंटर तो वो हमें बता देगा 1 रो के ऊपर अहमद था। हम लोग इसके ऊपर 3 लिखेंगे इंजमाम था, 4 लिखेंगे मुबशिर था, जबकि 2 लिखेंगे तो फैजान था। अब इसी तरह रो के साथ अगर कॉलम आ जाए तो वो 2 डायमेंशन इंडेक्स फंक्शन कहलाता है। आई 2 डायमेंशन इंडेक्स फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू INDEX इंडेक्स टैब, दोस्तों इसके अंदर हमें पूरा टेबल अरे करना पड़ता है। कोमे के बाद रो नंबर, रो नंबर हमारे पास ये गिवन है, कोमा और कॉलम नंबर हमारे पास ये गिवन है, एंटर। दोस्तों ये हमारे पास एक टेबल अरे था जिसको हमने टेबल को अरे किया था, जो कि ई से स्टार्ट हो रहा था। ई इसका पहला कॉलम था और इसकी 66 पहली रो थी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इस टेबल को अरे किया था। आप देख सकते हैं कि अगर मैं उसे कहता हूँ कि चौथी रो में 1, 2, 3, 4 रो के अंदर थर्ड कॉलम 1, 2, 3 थर्ड कॉलम के अंदर CNIC नंबर बता दो, तो उसने एग्जैक्टली वही बता दिया। इसी तरह से अगर मैं उसे कहता हूँ कि फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम बता दो तो वो अहमद नेम बता देगा। इसी तरह से अगर मैं उसे कहता हूँ कि इसका फोर्थ नंबर बता दो तो फोर्थ नंबर के ऊपर मोबाइल नंबर गिवन था और उसने हमें मोबाइल नंबर बता दिया, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।